तस्वीरें देख रहे हैं असंध के गंगा टेढ़ी गांव से, जहां किसानों द्वारा ऐलान किया गया था कि 6 तारीख को जो है चक्का जाम किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस साइड जो है बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, पीछे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। और यहां दूसरी ओर आप देख सकते हैं किसान अभी तक जो है धरने पर बैठे हुए हैं 12 बजे से जो है। के कुछ कहना चाहोगे, कब से बैठे हो? 12 बजे आप आगे आ जाओ जी, आ जाओ, जो बोल सकता है वो आगे आ जाओ। जो मोदी जी द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए हैं ना, उनके विरोध में आज गंगा टेढ़ी, पोपड़ा, कोलखेड़ा, पंचगामा जैसे हमारे जो जिमरी खेड़ा वगैरह 5 गांव हैं और 7 के और गांव हैं बिगाना वगैरह, वो सभी आए हुए हैं। इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको वापिस लें, तो क्योंकि ये फसल और नस्ल को बचाने के लिए कि युद्ध चला हुआ, जो 36 बिरादरी का सभी मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी सबके साझी लड़ाई है, तो इकट्ठा होकर लड़ेंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे जाम लगाया। आपको नहीं लगता कि आम लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है? पीछे भी जाम की स्थिति है, सरकार के कानों पे तो जूनी रेंग रही। नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, ये सभी साहब आ गए, ये सबके पास, इनके सब पे मार पड़ रही है। जैसे डीजल बढ़ गया तो इन पे मार पड़ रही है, तो और जितने आवश्यक जिसको निकालना था एम्बुलेंस वगैरह उनको निकाला जा रहा है, जो किसी में स्कूल बसेज को निकाला जा रहा है, जो कोई प्रेगनेंसी के लिए कोई जा रहा है उनको भी निकाला जा रहा है। मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट चल रही है, सबको बड़े तरीके से चला हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष आर्य है जी। कहाँ से हो? गंगा टेढ़ी पोपड़ा से। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे, कब से बैठे हो आप लोग और अभी कब खत्म करना है ये? मैडम जी, हम 12 बजे से बैठे हैं, राइट पूरे 12 बजे हमने इस चक्के जाम को स्थिति में बदला है और प्रॉपर 3 बजे तक ये रहेगा हमारा आंदोलन, और शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। जैसे आपने अभी बात की थी लंबा जाम लगा हुआ है, वो साथी भी जो है ड्राइवर वगैरह हैं वो भी इसमें सहभागी कर रहे हैं कि भाई इन किसानों की जो समस्या है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, हमें परेशानी ना हो। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गंगा टेढ़ी गांव से, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा गांव जो है यहां पर एकत्रित हुआ हुआ है। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कर दें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां किसानों के समर्थन में सब लोग जो है, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, किसान तस्वीरें देख रहे हैं गंगा टेढ़ी गांव से, जो कि असंध के पास पड़ता है। इसी तरीके से पूरे हरियाणा भर में जो है इसी तरीके से चक्का जाम किया गया है। 12 से 3 बजे तक का जो टाइम ऐलान किसानों द्वारा किया गया था वो किया गया है, और साथ ही साथ अगर पुलिस की बात करी जाए तो रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस फोर्स को भी आज अलग अलग जगहों पर जो है तैनात किया गया था, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, एम्बुलेंस हो, स्कूल बसेस हो, सबको जो है इमरजेंसी में यहाँ से प्रॉपर तरीके से मैनेज कर जो है निकाला जा रहा है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीर इस समय आप ही देख रहे थे असंध के पास जो गांव पड़ता है गंगा टेढ़ी से, मेरे अन्नी रमाटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। देख सकते हैं गंगा टेढ़ी गांव के पास इस समय मौजूद हैं, जहां चक्का जाम की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो चुकी है। जहां तक आप लोग की नज़र जाएगी वहां तक जो है आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखने वाला है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं किस तरीके से चक्का जाम जहाँ पर किया हुआ है, हर एक गाँव के हर एक जगह पर जो है, सन के पास के एक गाँव की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि किसानों द्वारा ऐलान किया गया था कि 3 बजे तक जो है इस चक्का जाम किया जाएगा, अब जो है गाड़ियों को हटाया जा रहा है, रास्ते खोले जा रहे हैं, क्योंकि 12 से 3 बजे तक का जो टाइम था वो टाइम पूरा हो चुका है, अब रास्ते खोले जा चुके हैं।